हेलो फिफ्थ क्लास, दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 2.8। एज यू कैन सी, दिस इज योर मैथमेटिक्स बुक। ओपन इट नाउ। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। रोमन न्यूमेरियल्स आर फॉर्म्ड ओनली 7 सिंबल्स। हम रोमन न्यूमेरियल्स लिखने के लिए सिर्फ 7 सिंबल्स का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो? आई, वी, एच, एल, सी, डी एंड एम। ओके, एंड 0 के लिए हम कोई भी रोमन न्यूमेरियल्स यूज नहीं करते। ओके, नाउ यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है बेटा, नॉर्मल रोमन न्यूमेरियल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल्स की। यहाँ पर 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमेरल्स में? आई से। ओके, वी को 5 से, एक्स को 10 से, एल को 50, सी 100, डी 500 एंड एम इज 1000। ओके, नाउ यहाँ पर रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल आप देखेंगे, रिपीटिशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन। अगर हम किसी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसको ऐड कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, आई 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 मीन्स आई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से, मीन्स 1 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे, सो 3 हमारा आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ पूल टिप्स में आपके राइट हैंड पे दिया हुआ है, सिंबल आई, एक्स, सी एंड एम कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हम इनको 3 से ज़्यादा टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते। ओके, एंड वी, एल एंड डी कैन नेवर बी रिपीटेड। वी, एल ओ डी रिपीट नहीं होता है। नाउ सेकेंड रूल आप देखेंगे बेटा, When symbol are written in descending order of their values, the values of the symbol are always added. अगर हम descending order में लिखते हैं symbols को, तो it means उनकी value जुड़ जाती हैं, add हो जाती हैं। So यहाँ पर example देखेंगे, x और i हमने लिखा है, descending order में है ये, so 10 plus 1 equal to 11 हमारा हो गया। Now third rule आप देखेंगे, when symbol are written in ascending order ऑफ देयर वैल्यूज, द स्मॉलर वैल्यू इज ऑलवेज सबट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। मीन्स यहाँ पर आई एंड वी, मीन्स यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर यूज हो रहा है, फर्स्ट 1 है देन 5 है, सो इट मीन्स यहाँ पर हम सबट्रैक्ट करेंगे, सो 5 में से 1 लेस करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 4। सो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई एंड वी से। ओके, नाउ फोर्थ रूल आप देखेंगे, वेन सिंबल आर रिटन इन अ वे दैट अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू लाइज बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द स्मॉलर वैल्यू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉलोइंग इट। आप एग्जाम्पल देखेंगे, एक्स एक्स आई एक्स, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक्स एंड एक्स रिपीट हो रहा है, सो इसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 20 हो गया, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। नाउ आई एक्स है, उसको हमने क्या किया, 10 माइनस 1 किया, सो 10 माइनस 1 इज 9, सो हमारा नंबर क्या बन गया बेटा, 29। ओके, नाउ फूल टिप्स आप देखेंगे आपके राइट साइड पे, आई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली, एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, एंड सी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। ओके, स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2A। ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आई एस सी एंड डैश कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। इनमें से और कौन सा 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होता? तो एम इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, रोमन न्यूमेरियल्स फॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, सो आंसर इज एम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, आई किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आई को हम? वी एंड एक्स से, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बी पार्ट सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट आंसर। ए पार्ट इज 100, सी एंड एल एल। सो यहाँ पर आपको एवरी क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन दी गई हैं, जो आपका करेक्ट होगा उस पर आपको सर्कल करना है। तो 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, सो सी को हमने सर्कल किया। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, 144, सो 144 को कैसे लिखेंगे बेटा? सी एक्स एल आई वी। ओके, सी मीन्स 100, एक्स एल मीन्स 40, ओके, एंड आई वी मीन्स 4, सो 144 हमारा बन गया। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो, उस पर हम सर्कल कर देंगे। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, सीन योर बुक, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरियल। सो आपको नंबर दिए गए हैं, हिंदू अरेबिक में न्यूमेरियल्स दिए गए हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमेरियल्स में। सो ए पार्ट इज 102। सो इसको हम कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरियल्स में बेटा? 100 के लिए सी हम लगाते हैं एंड 2 के लिए आई आई। ओके, सो हमारा नंबर बन गया सी आई आई। ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 142। सो 100 के लिए सी, 40 के लिए एक्स एल एंड 5 के लिए वी। ओके, नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 218। सो यहाँ 200 है, सो सी सी मीन्स 200 हमारा हो गया, 100 प्लस 100। देन हमें 10 करना है, सो 10 के लिए एक्स लगेगा एंड देन 8 के लिए वी आई आई आई। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 3, सी इन योर बुक, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल। तो यहाँ पर आपको ये जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड किया था, ये क्वेश्चन थर्ड इसका अपोजिट है। इसमें हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल्स में कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमेरियल्स को। सो ए पार्ट इज सी एक्स एक्स आई वी। सो सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 से, एंड एक्स एक्स मीन्स 20। ओके, 10 प्लस 10 हो गया 20 एंड आई वी मीन्स 4। सो हमारा नंबर हो गया बेटा 124। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे एक्स सी वी आई आई। सो एक्स सी मीन्स 100 में से हमने 10 लेस किया, 90 हो गया, एंड वी आई आई मीन्स 7। सो 97 हमारा नंबर बन गया। नाउ सी सी पार्ट एल एक्स 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 आई आई। सो एल एक्स 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 मीन्स 80। ओके, एंड आई आई मीन्स 2। सो 82 हमारा नंबर हो गया। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग एंड पुट द साइन। ओके, आपको बॉक्सेस में साइन फिल करने हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। सो फर्स्ट आप देखेंगे ए पार्ट एक्स 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 वी आई 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 मीन ये कौन सा नंबर बना? 38। एंड बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के अदर साइड क्या है? एक्स एल, एक्स एल मीन्स 40। ओके, सो कौन सा नंबर बड़ा है हमारा? 40 बड़ा है ना 38 से। सो हम क्या लगाएंगे बेटा? एक्स 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 वी आई 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 इज लेस देन एक्स एल। ओके, नाउ ई पार्ट आप देखेंगे बेटा सी सी बॉक्स सी सी। सो बॉक्स मीन्स 200, सी सी मीन्स 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में हम इक्वल का साइन लगाएंगे। ओके, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरियल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पर आपको एवरी क्वेश्चन में टू टू ऑप्शंस दी गई हैं, जो आपका करेक्ट होगा उस पर आपको सर्कल करना है। तो 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी सी। सो सी को हमने सर्कल किया। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 144। सो 144 को कैसे लिखेंगे बेटा? सी एक्स एल आई वी। ओके, सी मीन्स 100, एक्स एल मीन्स 40। ओके, एंड आई वी मीन्स 4। सो 144 हमारा बन गया। सो जो सेकंड ऑप्शन है वो उस पर हम सर्कल कर देंगे। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सीन योर बुक क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, नाउ ए पार्ट में देखेंगे आप, सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सी डी एक्स एल। सो सी डी एल एक्स एल मीन्स बेटा 440। ओके, नाउ सेकेंड आप देखेंगे सी 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 एक्स एक्स आई एक्स। सो सी 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 मीन्स 300 एंड एक्स एक्स मीन्स 20 एंड आई एक्स मीन्स 9। तो हमारा नंबर बन जाएगा बेटा 329। ओके, नाउ थर्ड आप देखेंगे सी 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 मीन्स 300। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे सी एल एक्स आई एक्स। सो सी एल
एक्स मीन्स 160 एंड आई एक्स मीन्स 9, सो हमारा नंबर हो गया 169। लास्ट आप देखेंगे सी एल आई आई, सी एल हमारा हो गया बेटा 150 एंड आई आई मीन्स 2, सो 152 हमारा हो गया। दीज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व बी सी एंड डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 3, सी इन योर बुक राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल। तो यहाँ पर आपको ये जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड किया था, ये क्वेश्चन थर्ड उसका अपोजिट है। इसमें हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल्स में कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमेरियल्स को। सो ए पार्ट इज सी एक्स एक्स आई वी। सो सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 100 से, एंड एक्स एक्स मीन्स 20। ओके, 10 + 10 हो गया 20 एंड आई वी मीन्स 4, सो हमारा नंबर हो गया बेटा 124। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे एक्स सी वी आई आई। सो एक्स सी मीन्स 100 में से हमने 10 लेस किया, 90 हो गया, एंड वी आई आई मीन्स 7, सो 97 हमारा नंबर बन गया। नाउ सी सी पार्ट एल एक्स 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 आई आई, सो एल एक्स 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 मीन्स 80। ओके, एंड आई आई मीन्स 2, सो 82 हमारा नंबर हो गया। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now children, your exercise is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Okay. Similarly, you have to solve other part of this question. Now question number 5. Write the following Roman numerals in ascending order. And children, also you do revision exercise and chapter assessment by yourself in your notebook. Thank you, students.